बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। होप यू आर डूइंग वेल। लीगल सर्विसेज चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं वो पाकिस्तान पिनल कोड 1860 से रिलेटेड हैं, जो कि बहुत ही अहम दो सेक्शंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सेक्शन 20 एंड सेक्शन 21। सेक्शन 20 जो है वो है कोर्ट ऑफ जस्टिस के मुताबिक, और सेक्शन 21 जो है वो है पब्लिक सर्वेंट के मुताबिक। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेक्शन 20, द कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होती है, इंसाफ की अदालत क्या होती है, इंसाफ की अदालत और कानून की अदालत, कोर्ट ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले हम सेक्शन 20 में ये पढ़ेंगे। द वर्ड्स कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट अ बॉडी ऑफ जजेस, अ जज who is empowered by law to act judicially alone। Court of Justice Section 21 जो ये वर्ड्स हैं किसी भी ऐसे जज को डिनोट करते हैं जो जुडिशली एक्ट करे, जिसको पावर्स दिए गए हों कि वो जुडिशली एक्ट करे एज अ जज, और अ बॉडी ऑफ जजेस या बॉडी ऑफ जजेस या जजेस की बॉडी, दो तीन चार या जूरी एक जजेस की, विच इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली, जिसको लॉ की तरफ से पावर दिया गया है कि वो जुडिशली एक्ट करें एज अ जज एक्ट करें, एज अ बॉडी व्हेन सच जज आर बॉडी ऑफ जजेस इज एक्टिंग जुडिशली, जब कोई जज या बॉडी ऑफ जजेस जुडिशली एक्ट करेंगे तो हम उनको क्या करें कहेंगे, कोर्ट ऑफ जस्टिस कहेंगे। अब कोर्ट ऑफ जस्टिस जैसे ही हम सुनते हैं तो वहां पर लफ्ज आता जाता है कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ और कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या फर्क है, कोर्ट ऑफ लॉ हम उसे कहते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू लॉज जो है अपने फैसले करती है। कोर्ट ऑफ लॉ में सारी कोर्ट्स ऑल कोर्ट्स आ गई, बट द सुप्रीम कोर्ट इज कोर्ट ऑफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट is court of justice. Why supreme court is court of justice? Because supreme court एक ऐसी court है जो कि constitution के किसी article को भी अपने फैसले में अगर according to situation नज़रअंदाज करना चाहे तो कर सकती है। अगर public interest में किसी law को नज़रअंदाज करना चाहे तो कर सकती है, या अगर कोई law बना हुआ है जो इस्लामिक इंजेक्शन से उनके खिलाफ है तो उनको रिजेक्ट भी कर सकती है, किसी भी लॉ को डिलीट भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर्स है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जस्टिस को प्रिवेल करने के लिए वो फैसले दे सकती है। एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट, ऑल कोर्ट्स आर कोर्ट ऑफ लॉ, बट द सुप्रीम कोर्ट इज कोर्ट ऑफ जस्टिस। सेक्शन 21 पर आते हैं पब्लिक सर्वेंट, जो कि इंतहाई अहम सेक्शन है, ना सिर्फ एक लॉयर लॉ स्टूडेंट या जूरिस्ट को पब्लिक सर्वेंट के बारे में पता होना चाहिए, बल्कि एक आम आदमी के लिए भी पब्लिक सर्वेंट क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी होता है। लेट्स डिस्कस हु आर फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, कौन कौन पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आता है। सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट, द वर्ड पब्लिक सर्वेंट डिनोट अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन हेयर आफ्टर फॉलोइंग, नेमली कि पब्लिक सर्वेंट वर्ड्स जो है वो उन सारे कैटेगरीज को डिनोट करते हैं जो नीचे दी गई हैं। अब नीचे कौन सी कैटेगरीज दी गई है, सबसे पहली जो है फर्स्ट वो ओमिटेड बाय फेडरल लॉज ऑर्डिनेंस रिवीजन 1981 में ओमिट की गई थी 27 रिवीजन में। उसके बाद हम सेकंड पे आते हैं, एवरी कमीशन्ड ऑफिसर ऑफ मिलिट्री इन द मिलिट्री नेवल और एयरफोर्स ऑफ पाकिस्तान व्हाइल सर्विंग अंडर द फेडरल गवर्नमेंट और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कोई भी कमीशन्ड ऑफिसर मिलिट्री का वो भी पब्लिक सर्वेंट है, नेवी का वो भी पब्लिक सर्वेंट है,
एयरफोर्स का वो भी पब्लिक सर्वेंट है, अवाम का नौकर है। अब आगे ये कहता है कि वाइल सर्विंग अंडर द फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के अंडर चाहे वो सर्व करे, आर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आर्मी, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, जो भी ये फोर्सेस हैं आपको पता होगा फेडरल गवर्नमेंट के अंडर काम करती हैं। अब आर एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्यों लिखा गया है? आर एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसलिए लिखा गया है, ये जो फोर्सेस हैं ये रेंजर्स, पंजाब और सिंध में रेंजर्स होती है, एफसी होती है बलूचिस्तान में, इसी तरह केपीके में भी होती है, मुजाहिद फोर्स है, ये सारी जो होती है ये भी इस कैटेगरीज में आ जाती है सेक्शन 21 के तहत, वो भी पब्लिक सर्वेंट में आ जाते हैं। थर्ड वन इज एवरी जज, कोई भी जज जो है वो भी पब्लिक सर्वेंट है, अवाम का नौकर है, वो अवाम के लिए काम करता है, ऐसा नहीं है कि वो अवाम से बालातर है, अवाम से ऊपर है, नहीं, बट ही इज अ पब्लिक सर्वेंट, ही हैज टू वर्क फॉर द पब्लिक, ही हैज वर्क अंडर द पब्लिक, बिकॉज उनकी जो सैलरीज आ रही है वो कहाँ से आ रही है? हमारी टैक्सेस से आ रही है, हमारी टैक्सेस से ही एक जज की सैलरी आती है, हमारी टैक्सेस से ही एक आर्मी ऑफिसर की सैलरी आती है, और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो नीचे डिफाइन की गई हैं, वो भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरीज में शामिल होते हैं। अब फोर्थ में ये कहता है एवरी ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट ऑफ जस्टिस का हर एक ऑफिसर, ना सिर्फ जज पर जो उसका सपोर्टिंग स्टाफ होता है वो भी पब्लिक सर्वेंट में आ जाते हैं, हुज ड्यूटी इट इज, जिसकी ड्यूटी क्या है, एज सच ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट और रिपोर्ट एनी मैटर ऑफ लॉ, कि ऐसा कोई भी ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेट करे या रिपोर्ट बनाए किसी भी मैटर ऑफ लॉ पे। अब कोर्ट के मैटर्स में इन्वेस्टिगेट कौन करता है? पुलिस करती है, तो पुलिस भी क्या होती है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड क्लास 4 में पुलिस किस में आ जाती है? पब्लिक सर्वेंट में आती जाती है, वो भी हमारे पब्लिक सर्वेंट है, वो भी ऐसे नहीं कह सकते कि हम आपके नौकर नहीं हैं, हम ये क्यों करें, ये क्यों करें, वो क्यों करें, क्योंकि दे आर पब्लिक सर्वेंट, दे हैव टू डू। अगर आपको कोई भी ऐसा सरकारी मुलाजिम कहीं पर भी ऐसा कहे तो आप उनको याद दिला सकते हैं यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, आप अवाम के नौकर हैं और आपकी ये ड्यूटी है कि फिलहाल फिलहाल काम करें। लेट्स डिस्कस फर्दर, आर टू मेक अथेंटिकेट आर कीप एनी डॉक्यूमेंट, आर टू टेक चार्ज आर डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, या कोई डॉक्यूमेंट अपने पास रखे या किसी प्रॉपर्टी की का कब्जा गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट की तरफ से आर्जी तौर पर अपने पास रखे या कागजात का रिकॉर्ड जो रखे वो भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरीज में आ जाते हैं। उसके आगे हम डिस्कस करते हैं, ये रिस्क करने के बाद लिखेंगे हम यहाँ, कंटिन्यू करते हैं, और टू एग्जीक्यूट एनी जुडिशियल प्रोसेस, या किसी भी जुडिशियल प्रोसेस को जो एग्जीक्यूट करे वो पब्लिक सर्वेंट है, और टू एडमिनिस्टर एनी ओथ, या किसी ओथ को एडमिनिस्टर करे, किसी से ओथ ले, हम उसको भी क्या कहेंगे, पब्लिक सर्वेंट कहेंगे, और टू इंटरप्रेट और टू प्रिजर्व ऑर्डर इन द कोर्ट, या कोर्ट में कोई ऑर्डर पेश करे या ऑर्डर्स को प्रिजर्व करे, इनमें क्या आ जाते हैं, ओथ प्रेसिडेंट भी लेता है, ओथ चीफ जस्टिस भी लेता है, जो भी ऐसी अथॉरिटीज ओथ लेती हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट है, जो कोर्ट में कोई कागजात पेश करने आता है कोई गवर्नमेंट ऑफिसर वो भी पब्लिक सर्वेंट में आ जाता है, एंड एवरी पर्सन स्पेशल बाय अथोराइज बाय कोर्ट जस्टिस टू परफॉर्म एनी ऑफ सच ड्यूटीज, या ऐसी कोई भी ड्यूटी जो ऊपर मेंशन की गई है कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से किसी को ऑथराइज किया गया है, किसी को अथॉरिटी दी गई है कि आप ये काम करें, वो क्या होते हैं, वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं। फिफ्थ में ये कहता है एवरी ज्यूरीमैन असेसर आर मेंबर ऑफ अ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक सर्वेंट, कोई भी ऐसा जूरी में जूरी का मेंबर
जो बंच ऑफ जजेस होता है, जजेस की एक जूरीज होती है, ग्रुप ऑफ जजेस होता है, उसका कोई भी मेंबर या पंचायत का मेंबर जो कि असिस्ट करे कोर्ट ऑफ जस्टिस को और पब्लिक सर्वेंट हो या किसी पब्लिक सर्वेंट को, हम उसको भी पब्लिक सर्वेंट कहेंगे, अवाम का नौकर कहेंगे। सिक्स्थ में ये कहता है एवरी आर्बिट्रेटर और द पर्सन टू होम एनी केस और मैटर हैज बीन रेफर्ड फॉर डिसीजन आर रिपोर्ट बाय एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस और बाय एनी अदर कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी इज अ पब्लिक सर्वेंट। कोई भी आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर्स कौन होता है, आर्बिट्रेटर वो होता है जो कि मैटर्स को सोल्व करता है आउट ऑफ द कोर्ट, वो कोई भी लॉयर भी हो सकता है पर हम उसको भी पब्लिक सर्वेंट कहेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड। या ऐसा कोई आदमी जो कि पब्लिक अथॉरिटी के अंडर काम कर रहा हो वो भी पब्लिक सर्वेंट में आ जाता है। सेवेंथ में यह कहता है एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ वर्च्यू ऑफ व्हिच ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट। कोई भी ऐसा शख्स जिसको पावर दिया गया है कि वो किसी भी शख्स को जेल में रख सके, कैद में रख सके, अब वो जेलर्स भी होते हैं, प्रिजन डिपार्टमेंट वाले भी होते हैं, पुलिस भी होती है, हम उनको भी पब्लिक सर्वेंट में की कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। एट्थ में ये कहता है एवरी ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेस। कोई भी ऐसा गवर्नमेंट का ऑफिसर, हर कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर जिसकी ये ड्यूटी है कि वो ऑफेंसेस को प्रिवेंट, रोकने में मदद करे सोसाइटी में, टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस, ऑफेंसेस की इंफॉर्मेशन दे, टू ब्रिंग ऑफेंडर्स टू कोर्ट ऑफ जस्टिस और टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ सेफ्टी और कन्वीनेंस। इसमें सारे के सारे सिक्योरिटी इदारे आ जाती है, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज आ जाती है जिसमें पुलिस रेंजर्स वगैरह वगैरह शामिल है, वो सारी सेक्शन 21 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड पब्लिक सर्वेंट के एट क्लास की कैटेगरीज में आ जाते हैं। यहाँ तक जो आज का हमारा लेक्चर था सेक्शन 20 एंड 21 तकरीबन कंप्लीट हो गया है। पार्ट नंबर टू में, पार्ट वन कंप्लीट होगा, पार्ट नंबर टू में हम नाइन्थ कैटेगरी से स्टार्ट करेंगे और सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।